राजनीतिक उठापटक का साल होगा। इसमें आप लोगों को एकजुटता के साथ आदिवासी एक होकर नारा लगाने के निकलना होगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है, ये ताकत इस बार राज के लिए भी और देश के लिए भी दिखाना होगा, नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र को ये खत्म करने की तैयारी में एक एक प्रकार पूरा जितना गैर भाजपा शासित राज्य है, सभी राज्य के सरकारों को इन लोगों ने तबाह तबाह कर रखा है। अभी अभी तो एक देश का एक हिस्सा से इन लोगों को भगा दिया गया है, अभी एक हिस्सा इधर ही बचा है, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा में भी नहीं है ठीक ठाक से, बिहार में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। इस बार थोड़ा बहुत तो दिया सब जल रहा है ना इन लोग का। अभी 2024 में सब दिया को बुझा करके लोग को वापस भेज देना, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। विशुद्ध रूप से आंदोलनकारी लोग तो बचेगा ही नहीं, बचेगा क्योंकि बोलेगा यही आंदोलनकारी लोग तो हवा लगाता है, आग लगाता है। और बड़ी चतुराई से वही मैं सोचता हूं कि अगर हमारे आंदोलनकारी नहीं होते, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं होते, तो ये राज भी हम लोग को नहीं मिलता। राजनीतिक उठापटक का साल होगा। इसमें आप लोगों को एकजुटता के साथ आदिवासी एक होकर नारा लगाने के निकलना होगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है, ये ताकत इस बार राज के लिए भी और देश के लिए भी दिखाना होगा, नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र को ये खत्म करने की तैयारी में एक एक प्रकार पूरा जितना गैर भाजपा शासित राज्य है, सभी राज्य के सरकारों को इन लोगों ने तबाह तबाह कर रखा है। अभी अभी तो एक देश का एक हिस्सा से इन लोगों को भगा दिया गया है, अभी एक हिस्सा इधर ही बचा है, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा में भी नहीं है ठीक ठाक से, बिहार में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। इस बार थोड़ा बहुत तो दिया सब जल रहा है ना इन लोग का। अभी 2024 में सब दिया को बुझा करके इन लोग को वापस भेज देना, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। विशुद्ध रूप से आंदोलनकारी लोग तो बचेगा ही नहीं, बचेगा क्योंकि बोलेगा यही आंदोलनकारी लोग तो हवा लगाता है, आग लगाता है। और बड़ी चतुराई से वही मैं सोचता हूं कि अगर हमारे आंदोलनकारी नहीं होते, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं होते, तो ये राज भी हम लोग को नहीं मिलता।